हुई गड़गड़ाहट बिजली की, हवा जैसे छेड़ती सीना आकाश का। एक कौवा झूल रहा था उल्टा घने पेड़ पर। चिंतित नहीं थी लूना, हाँ कुछ चिढ़चिढ़ी सी थी, मगर आता था तूफान तब तक। कर देती थी जब भी गुम अपनी पहेली का टुकड़ा लूना। नए सुराग की मदद से अंदाजा लगाती लूना बैठ गई एक चट्टान पर। दूर से देखा उसने किसी और का बनाया हुआ तूफान, जो भटका रहा था उसका ध्यान। उसे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो तूफान उसी का बनाया हुआ था। की थी मैंने कोशिश याद करने की, कहा लूना ने। होती हैं भावनाएं शक्तिशाली, नन्ही लूना ध्यान रखो, बोला कौवा। तुम्हारा क्रोध, खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, आंसू देते हैं अभ्यास कि ये जग तुम्हारे लिए कहें तो ये मौसम, ये रोमांचित, अद्भुत या फिर दुखी, बिल्कुल तुम्हारी भावनाओं के जैसे। मगर होती हैं चीजें वैसी जैसा बनाते हो तुम उन्हें। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा तूफान बना डालता है एक लट्टू सा मुझे। होती हो जब शांत तुम, खिल उठती है ऋतु भी, क्या सोचा है तुमने कभी। हूँ मैं गुस्सा, खुश, दुखी, महसूस करती हूँ इतनी सारी चीजें क्योंकि गुमा दी है मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, एक पहेली की थी जो कि लड़कियों और स्कूल के बारे में, कहा कौवे ने अंतिम कथन अपना। भावनाएं बताती हैं कि हो तुम सही पथ पर लूना, महसूस करती हो तुम ये क्योंकि परवाह है तुम्हें उन स्कूल जाती लड़कियों की, हैं यही भावनाएं जो नहीं मानने देती हार तुम्हें। असफलता को हमेशा गलत समझा गया है कि रोकती हैं असफलताएं मार्ग तुम्हारा, बताती हैं असफलताएं ही तुम्हें कि है कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। लेकर मुस्कान उड़ चली कौवा बैंगनी आकाश की ओर। कहा अलविदा जैसे ही उसने, आ गिरी वो गुम कड़ी पहली की कदमों में लूना के। उस दिन में पहली बार खिलखिला कर हंसी थी लूना।